नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे कभी खत्म नहीं होगा कोरोना की। ये खबर डराने वाली हो सकती है लेकिन सचेत करने वाली भी है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना अब कभी खत्म नहीं होगा। ये WHO के जो महामारी के डायरेक्टर हैं माइकल रियान का कहना है कि हो सकता है कोरोना कभी खत्म ही ना हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO के महामारी के डायरेक्टर रियान कह रहे हैं और ये सच भी साबित हो सकता है। उन्होंने अपनी बात को इस तरह से सच साबित करने की कोशिश की है कि HIV आज तक कभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि उसकी वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट और तमाम वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पहले तो वैक्सीन बनाने में सालों साल लगेंगे और अगर बन भी गई तो इसको पूरी दुनिया को इम्यून करने में अगले कई साल लग जाएंगे, क्योंकि 7.5 अरब की आबादी है पूरे विश्व की। मुमकिन नहीं है कि सब लोगों को इम्यून किया जा सके, सब लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। पहली बात तो क्या वैक्सीन बन पाएगी, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। HIV की तरह क्या हम इसके साथ हमको जीना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मामला है। और रियान ने यही नहीं रुके, उन्होंने कई और आगे बढ़ करके बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सारे देश लॉकडाउन में ढील बरत रहे हैं, ढील दे रहे हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि संक्रमण अभी तेजी से बढ़ेगा और फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको रोकने के लिए लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें जान भी बचानी है और जहां भी बचाना है, तो ऐसे में कैसे इन दोनों के बीच तालमेल बचाया जाए। लोगों को भुखमरी से भी बचाना है, अगर कोरोना से बच गए तो भुखमरी मार देगी, तो दोनों तरफ ही हमारे लिए जान की मुसीबत है। एक तरफ खाई है तो दूसरी ओर कुआं है, जिधर भी गिरेंगे मौत ही सामने नजर आएगी। ऐसे में किसी एक को चुनना होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके साथ रहना होगा, इसके साथ रहना सीखना होगा, हम लगातार कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको बता देते हैं, ये कैलिफोर्निया की रिसर्च है और कैलिफोर्निया की रिसर्च के साथ में कई और यूनिवर्सिटीज ने इस पर रिसर्च, हांगकॉन्ग की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने भी इस पर रिसर्च किया है कि इस बीमारी से एक ही चीज हमको बचा सकती है, एक ही दवा हमको बचा सकती है, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का लगाना। मास्क लगाने से 80% तक हम इससे बच सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से भी हम 80% तक इससे बच सकते हैं। फिलहाल अभी कोई चारा नहीं है। हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल पहले ही जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए इसकी गंभीरता को और फिर इसके बाद चर्चा करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। COVID-19 के 44 लाख से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं, करीब 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी पहले ही घोषित कर चुका है, लेकिन बुधवार को WHO ने जो चेतावनी जारी की है उसने सभी देशों को सख्ते में डाल दिया है। देश दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना के भविष्य को लेकर WHO ने नई भविष्यवाणी की है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि कोरोना से निजात मिलना अभी संभव नहीं है। WHO ने कहा है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस कभी खत्म ना हो और दुनिया को इसके साथ जीना सीखना हो। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। संगठन के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक माइकल रायन ने जेनेवा में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार मानव आबादी में एक नया वायरस प्रवेश कर रहा है।
और इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम उस पर कब हावी होंगे। कोरोना हमारे समुदायों में सिर्फ एक अन्य स्थानिक वायरस बन सकता है और हो सकता है कि ये वायरस कभी नहीं खत्म हो। बता दें, जिस तरह HIV खत्म नहीं हुआ लेकिन हम उस वायरस के साथ शर्तों पर जीना सीख गए, उसी तर्ज पर कोरोना के साथ भी जीना सीखना होगा। ज्यादातर देशों ने इस वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन WHO ने चेताया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद ये ना फैले और हमें इस वायरस से निजात मिल जाए। फिलहाल हालात सामान्य होने में काफी लंबा समय लगेगा। गौरतलब है कि दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 78,003 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,722 नए मामले सामने आए हैं और 134 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस समय दुनिया के आधे देश लॉकडाउन में हैं। करोड़ों लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाशने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं, लेकिन WHO ने जो भविष्यवाणी की है उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज। कोरोना का कभी खत्म नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, डराने वाला है, लेकिन सचेत करने वाला भी है। ये हमें सचेत करता है कि जिस तरह से हम इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में हाथ डालकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं, याराना निभाने की कोशिश कर रहे हैं, परिवार नहीं कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए और जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर AK शुक्ला है, पूर्व सीएमओ है, आपका स्वागत है। डॉक्टर AK शुक्ला साहब, धनंजय शुक्ला है, युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पद्मा मिश्रा संयुक्त ज्वाइंट डायरेक्टर है हमारे साथ में, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है हमारे साथ में होम्योपैथी की, आपका भी स्वागत है। और तीन खास मेहमान हमारे साथ कानपुर से भी जुड़ चुके हैं, विनय राज चंदेल कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका विनय राज चंदेल जी। डॉक्टर महेंद्र श्रावगी चिकित्सक हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। और स्वप्निल शुक्ला भी हमारे साथ में जुड़ेंगी आपसे कुछ देर बाद, उनका भी स्वागत होगा, लेकिन सीधा रुख करेंगे डॉक्टर AK शुक्ला का। डॉक्टर AK शुक्ला, WHO की ये चेतावनी कितनी गंभीर नजर आ रही है आपको? गंभीरता से लेना ही पड़ेगा क्योंकि WHO एक मान्य संस्था है पूरे विश्व की। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसके के कार्य क्षेत्र पूरा विश्व है जी। और इसके पदाधिकारियों ने अगर कोई चेतावनी दी है तो ये गंभीर मामला है जी। और हमें इससे डरना नहीं है, लेकिन सतर्क होकर के सचेत होकर के परिस्थिति का सामना करना है। एक ये वायरस का संक्रमण है, अगर हम सोचें कि लॉकडाउन की तारीख खत्म होते ही या गवर्नमेंट के आदेश करते ही लॉकडाउन खत्म हुआ महामारी वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। हमें मन में इस धारणा को बनाना पड़ेगा कि अगले कुछ समय तक इसका संक्रमण इसका प्रकोप बना रहेगा और हमें इसके रहते हुए भी कैसे बचाव करना है, किस तरीके से हम अपने को समाज को परिवार को इससे बचा सकते हैं, इन बिंदुओं पर कार्य करना है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टूल मास्क लगाना है, हम उसको मास्क को लगा लें। मास्क लगाने का उचित तरीका ये कि हमारी नाक और मुँह बंद रहे, जिससे जो हमारी कीटाणु हैं या बाहर वाले के कीटाणु हमारे नाक मुंह में प्रवेश न करें। तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग कि हम आपस में इतनी दूरी बनाए रखें सभी से कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पास में आता भी है तो उसका संक्रमण हमें न फैल सके। और दूसरा है जो और चीज़ें हैं, हैंड सैनिटाइजेशन, बाहर जाएं ध्यान रखें, बार बार हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइजेशन करते रहें, जो लिक्विड फ्रूट बाजार में आने सैनिटेशन उनका प्रयोग करें, और पर्सनल हाइजीन, हमें इसके साथ जीना होगा, रहना होगा। और अगर हम ये सोच लें कि इसका कुछ दबाव से हमारा संक्रमण खत्म हो जाएगा, अभी हाल फिलहाल ख़त्म होने वाला नहीं है, इससे बचाव का तरीका है कि हमें स्वयं अपने आप को
वो हेल्थ एजुकेशन फॉलो करनी पड़ेगी, जो तरीके हैं फॉलो करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को बचाना पड़ेगा जिससे हम संक्रमित ना हों और हम स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर पद्मा मिश्रा क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम खुद अपने अपना बचाव करें तभी हम सुरक्षित रहें। और कोरोना एक महामारी, ये एकदम से ख़त्म नहीं होगी, और अब तक जितनी महामारियाँ आईं क्या वो अब तक ख़त्म हुई? नहीं ख़त्म हुई, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे बच के रहना पड़ेगा, और डर के कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करके, अब इम्यूनिटी डेवलप करके, और अपने आचरण, अपने हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। ठीक जी, धनंजय शुक्ला मेहता जो, धनंजय क्या जिस तरह से ये लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि जहान को भी बचाना है, और WHO ने चेताया है कि ये एक गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके? जी देखिए, लॉकडाउन की बिल्कुल छूट नहीं दी गई है, लोगों को सिर्फ आत्मविश्वास करना सिखाया जा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पे जो बहुत ज्यादा जरूरत है, जो सरकार के जो गाइडलाइन थे और केंद्र का जो गाइडलाइन था, वही गाइडलाइन अभी भी फॉलो किया, पुलिस हमारी प्रशासन करवा रही, फर्क बस इतना है कि कुछ चीजों के लिए उनको छूट दिया गया है ताकि आप बाहर निकलिए और अपने आप को जो भी सामान है कुछ चीजें लाइए। मगर अब जो लोग आत्मविश्वास नहीं समझ रहे हैं, अगर भीड़ में निकल रहे हैं तो उनको अगर अपनी सुरक्षा को नहीं पहचाने, जैसा कि डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं, जो हमारे और पैलिस डॉक्टर साहब बैठे हुए, कि देखिए सुरक्षा आत्मविश्वास ये सब सारी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार अगर दबाव देती है तो यही 10 दिन बाद कहते हैं भैया हमको दबाव दे रही है, हमें नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। जब उनको ये चीजें दी जा रही है तो उनका, मुझे लगता है कि लोगों को इसका पालन करना चाहिए, और पालन के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी बेहतरनी चाहिए, और साथ में प्रशासन और सरकार वो भी अपनी पूरी चुस्त दुरुस्त के साथ व्यवस्था में लगी हुई है, कोई भी ढील नहीं है। जहां अगर जैसा देखा जा रहा है तुरंत वो एरिया भी सील हॉटस्पॉट के साथ कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी सरकार कोई ढील नहीं दी है, सिर्फ लोगों को सावधान रहने के लिए उन्हें जो है एक प्रकार से देखा जाए तो समझा रही है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आगे भी लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि जैसे पहले था घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा था, उस तरह फिर नहीं निकलने दिया जाएगा। जी चलिए, बिना रहे चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदेल साहब क्या कहेंगे आप, WHO की गंभीर चेतावनी है कि जिस तरह से लॉकडाउन खोला जा रहा है उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और पहली बात तो इस पर भी हम आपकी राय जानेंगे कि कोरोना वायरस कभी खत्म ही नहीं होगा। देखिए जब WHO ने जो चेतावनी दी है वो सच में यही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बचाव के कोई संसाधन, मात्र सीमित संसाधन है, और अभी तक जो 3 चीजें समझ में आ रही हैं वो पहली चीज है कि मास्क, दूसरा सैनिटाइजर, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग। इन्हीं पे जीवन, मतलब अभी तक विश्व के लोगों ने इस बारे में चौथी चीज का इजाफा नहीं किया है, और ना अभी भारत कर पाया है। तो ये 3 चीजें हैं, अब इन चीजों का तो लोग अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके WHO ने चेतावनी दी है कि ये लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं इजाद हो पाई है, और इसमें एक बड़ा समय लगेगा, वो 6 महीने भी लग सकता है, 1 वर्ष भी लग सकता है। हम जहाँ तक हमारा देश है भारत, हम दो तरह की लड़ाइयाँ यहाँ लड़ रहे हैं, एक तो कोरोना से लड़ रहे हैं, और दूसरी जो अव्यवस्था फैली है, जो हमारे लोग थे जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, जो वापस अपने अपने घरों पे आ रहे हैं, जो अव्यवस्था फैली है, ये एक इस पर भी उनका मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार को इस पर भी प्रयास करना चाहिए कि वो कम से कम इस आपदा से कैसे बहार निकलें। कम से कम 4 करोड़ आदमी प्रभावित है, जो पैदल चला है, जो ट्रकों में बैठकर आया है, साइकिलों में चला है, तो उनका तो मनोबल टूट चुका है। तो सरकार को इसके साथ साथ किस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना है, इस ओर भी सोचना चाहिए। 3 चीजें तो जहां तक है 90% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं 3 चीजों का, 10% हो सकता है कि लोग लापरवाही या व्यवस्था नहीं है
इस अभाव में ना कर पा रहे हों, तो जो जो सरकार की अभी तक की जो गाइडलाइन है उसका भारत के लोग अच्छी तरीके से अनुपालन कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार ये तीन चीजों के अलावा चौथी चीजें क्या लाती है कि इस महामारी से बचाव हो सके। ठीक है चंद्र साहब, आएंगे आपके पास। डॉक्टर स्वप्निल शुक्ला जुड़े हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर स्वप्निल, क्या स्वप्निल जी क्या कहेंगे आप? इस कोरोना की WHO की चेतावनी को लेकर। भाई सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत 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 अभिनंदन। WHO की चेतावनी के लिए मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब कोरोना वीरों को बहुत बहुत अभिनंदन कि इस कठिन आपातकालीन समय में आप सब लोगों ने बहुत मेहनत से आम जनता के बीच में फैक्ट्स को रखा और जनता को पैनिक होने से बचाया। यही आगे WHO की चेतावनी जो आई है उसके बारे में चलना है, आगे हमें जुड़ना है समाज के साथ, इसको स्वीकार करना है कि ये एक ऐसा छूत का रोग है, जिसको साधारण शब्दों में कहा जाए कि ये छूत का रोग है जो मैन टू मैन होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के से होता है। उसमें हमें सुरक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, किसी की चेतावनी से किसी के शक्ति करने से ये नहीं रुकेगा और ये काफी लंबा चलना है। इस आज की डेट में 44,25,101 पेशेंट वर्ल्ड में है, जिसमें हमारा स्थान 13वां है, हमारे देश का 13वां स्थान है। 78,194 केस हमारे यहाँ आज की डेट में एक्टिव हैं। इस स्थितियों में भारत की जनता ने, आम जनता ने भारत सरकार का पूर्ण सहयोग किया है। वो चाहती है कि उसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन भारतीय सरकार वर्तमान में जो है वो उनकी जिम्मेदारियों को ले और वो आगे बढ़ के इस चीज को समझे कि साधारण आदमी को क्या चाहिए, जिसके कारण वो आपका पूर्ण समर्थन करते हुए इस बीमारी से लड़ सके। ठीक है डॉक्टर महेंद्र त्रिवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। WHO की चेतावनी से हमें किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, ये भारत कभी खत्म ही ना हो। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा कि WHO की चेतावनी को लेना जरूर चाहिए, लेकिन मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। जब चाइना के अंदर उनको चेतावनी देनी थी तब तो वो ये कहते रहे कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है और इसको एक महामारी बनने दिया। इंडिया के अंदर जो ये कोरोना जो महामारी है उससे बड़ी महामारी इस समय भुखमरी है। इस समय काम का ना होना और लोगों की जो आमदनी है, जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन को तो पार्शियल रूप से धीरे धीरे खोल के आर्थिक गतिविधियां चालू करनी पड़ेगी। और जहां तक हम कोरोना के विषय में समझते हैं, कोरोना एक गंभीर बीमारी ज़रूर है लेकिन इंडिया पे उसका उतना असर नहीं आएगा, ये अभी हम लोग देख चुके हैं इतने दिन के अंदर। हमारे यहाँ डेथ रेट भी कम है, इन्फेक्शन भी कम है, अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल जनता का है, जनता को आपके माध्यम से, जितनी भी मीडिया है सबके माध्यम से केवल ये समझाया जाना चाहिए कि ना कोरोना जाएगा, एक साल आप लॉकडाउन करके रख लीजिए, कोरोना खत्म नहीं होगा। जब वो खत्म नहीं होगा तो उसके साथ जीने के तरीके हमें सीखने हैं। बस इतनी बात को, जैसे स्वच्छता में आप लोगों ने किया, शौचालय में खूब पब्लिसिटी कर करके लोगों के यहाँ शौचालय बनवाए, ऐसे ही अगर हम लोग इसकी भी खूब पब्लिसिटी करें कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड हाइजीन और जो हमारे अपने पुराने संस्कार हैं कि हमें मंदिर में भीड़ लगाना है या मस्जिद में जाना है या गुरुद्वारे में जाना है या शादी में भीड़ करना है, इन सबको हमें बहुत समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, इन आदतों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम इन चीज़ों का एहतियात नहीं बरतेंगे तो कितना भी हम कोशिश करें हम उससे नहीं बच पाएंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर लॉकडाउन को धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप में कम नहीं किया तो हिंदुस्तान कोरोना से ज़्यादा भुखमरी से मर जाएगा और परेशानियों से मर जाएगा, इसलिए वो बहुत जरूरी है और इससे इतना आतंकित ना हूं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने WHO पर सवाल खड़े किए कि चाइना में जब हो रहा था तो उसने बताया ये महामारी नहीं है,
लेकिन चाइना में आज भी केस निकल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक केस, 76 दिन के लॉकडाउन के बावजूद केस अभी निकल रहे हैं, केस इसके निकलते रहेंगे। उनका ये कहना है कि ये हो सकता है कोरोना वायरस कभी खत्म ही ना हो। कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, हमें उसके साथ रहना होगा, यही हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि भाई उसके साथ साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे हर आदमी या तो अगर वैक्सीन निकल आई तो वैक्सीन से प्रोटेक्ट हो जाएगा, या इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे और वो इम्यून हो जाएगा। कुछ परसेंटेज को नुकसान जरूर होगा, जो स्पेशली डायबिटीज या एक्सट्रीम ऑफ द एज पे है या और उनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप हार्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं? हम हार्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, वही धीरे धीरे डेवलप होगी, वही इंडिया को बचाएगी। लेकिन ये भी मैं बार कह रहा हूँ, एकदम से हम इतना तैयार नहीं है कि एकदम से अगर केसेस बहुत बढ़ेंगे तो हमारा मेडिकल सिस्टम। डॉक्टर महेंद्र सरावगी जी, जी आज तक पूरे वर्ल्ड में हर्ड इम्यूनिटी कभी सक्सेस हुई है क्या? इस तरह की बीमारी में इम्यूनिटी से ही काम बना है पूरे विश्व में। आज पोलियो जो है, पोलियो क्यों खत्म हुआ है? पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करके हमने इम्यूनिटी तैयार कर दी, वायरस थोड़ी ना खत्म कर पाए हम। जो वायरस है जैसे तो पोलियो की जो वैक्सीन लगाई ना हमने, तो हाँ, तो वैक्सीन इम्यूनिटी से नहीं खत्म हुई है। दोनों ही तरीके से उसका वो होता है, चाहे हम वैक्सीन से करें और चाहे जैसे यहाँ पे उतनी इन्फेक्टिविटी नहीं है वायरस की। भारतीय जनमानस की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन इसके साथ हमें बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिरोधक क्षमता नहीं है क्योंकि ये यंगेस्ट इंडिया है, इसलिए हम इस सुस्ती में रह सकते हैं। नहीं, लेकिन हमको इस हम ये फिर कहना चाहेंगे कि इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अगर एकदम से हम फिर से वही भीड़ इकट्ठा करेंगे तो केसेस इतने बढ़ जाएंगे कि फिर वो संभाले नहीं संभलेंगे, फिर ये वास्तव में बहुत बड़ी जो WHO कह रहा है वही बात होगी। इसलिए हमें ध्यान रखते हुए सब काम करना है, हर चीज पे बैलेंस बना के चलना है। डॉक्टर महामारी के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रियान, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एचआईवी का वायरस कभी खत्म नहीं हुआ, एक्टिव केसेस हैं या जो इफेक्टिव हुए हैं, उसी तरीके से ये भी कभी खत्म नहीं होगा वर्ल्ड के में इफेक्टिव होने वाले। जी कपिल जी आएंगे आपके पास में, रुकिए अभी आ रहे। जी डॉक्टर सरावगी जी, जी मैं बस इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमको हर तरह से रियान ने कहा जी 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 केवल यही ध्यान रखना है कि हमको सबसे पहले सबने हैबिट डलवानी है, इसके साथ जीने की हैबिट जितनी जल्दी हम डालेंगे उतना ही हम लोगों का उतना ही अच्छा है, जितना लेट करेंगे उतना ही हम लोग नुकसान में रहेंगे। ठीक जी, और क्या पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला जी, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सरावगी ने एक बहुत शानदार चीज उठाई है कि अगर हम कोरोना से ही लड़ते रहेंगे तो भुखमरी का भी शिकार हो जाएंगे। देश में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार है, बल्कि विश्व की बात करें तो विश्व में भी अरबों लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमको इसके साथ रहना सीखना होगा, जीना सीखना होगा। और जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बताया या जो हांगकांग की यूनिवर्सिटी ने बताया है उसके गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। लेकिन इससे पहले जो WHO ने चेताया कि जिस तरह से लॉकडाउन खुल रहा है वो एक मुसीबत का सबब हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा जी स्कूल उन्नाव। खुदी को आजमाया न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अब सीधा रुख करेंगे धनंजय का। धनंजय, डॉक्टर श्रावगी कह रहे हैं कि हम अगर कोरोना से लड़ते रहे, लॉकडाउन में ढील नहीं दिया ढंग से, तो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। और उधर WHO चेता रहा है कि अगर लॉकडाउन में ढील दी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप सर, मैं ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मगर सरकार अभी तक देखिए लॉकडाउन का कोई जो है ढील नहीं दी हुई है। मैं बार बार ये चीज बताना चाहूँ, सरकार ने सिर्फ जो है कुछ रियायत जो है जो स्टेट सरकार है उनको उन्होंने ग्रीन वाइज देके बांटा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जैसे जैसा कि लोग जो है, अरे भाई आपने ढील नहीं दी है, सरकारों ने ढील नहीं दी है, लेकिन सड़कों पर जो ये करोड़ों लोग निकल आए हैं पैदल जा रहे हैं, इनका क्या होगा? नहीं देखिए, जो लोग सड़क से पैदल चल जा रहे हैं, केंद्र सरकार स्टेट सरकारों को गाइडलाइन ऑलरेडी जारी करके रखी हुई है कि अगर कोई अपने घर गाइडलाइनों का क्या करें हम, आप छोड़िए इन गाइडलाइनों का हम क्या करें जब वो गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, पालन कौन कराएगा? इसीलिए पालन करवाने के लिए स्टेट सरकारों को ऑलरेडी बताया गया है कि आप जो भी मजदूर जहां पाए जाए उनको आप तुरंत जाए भारत में पाए जाए तो आप बस ट्रक से आप ये बताइए उनके पास पहुंचाइए। गाइडलाइन कब जारी की थी आपने? नहीं ये गाइडलाइन अभी मान लीजिए मुझे लगता है एक हफ्ता हो गया, पर एक हफ्ता और एक हफ्ते में भी करोड़ों लोग सड़कों पर है, लाखों लोग सड़क पर है। प्रदीप सर उसके पहले लोग जो है दिल्ली और देखिए कहां के लोग, देखिए ऑलरेडी केंद्र सरकार एक राज्य का मामला, महाराष्ट्र ले लीजिए एक राज्य का मामला नहीं, सारे राज्यों के लोग निकल करके जा, आपका कहना बिल्कुल सही, मगर अब ये जो है लगभग एक हफ्ता से ये चीजें अभी शुरू हुआ है। कुछ जैसे कुछ स्टेट लगभग जैसे पहले दिल्ली शुरुआत किया, दिल्ली में फिर महाराष्ट्र शुरू हुआ, फिर राजस्थान शुरू हुआ, फिर ये कहना चाहते हैं जहाँ जहाँ आपकी सरकार थी वहाँ से शुरू हुआ? नहीं, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी वहाँ बिल्कुल नहीं शुरू हुआ। मतलब आप उसी बात को कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब देखिए अब हमारी सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने ही देखिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि मजदूर जो है कहीं भी पैदल ना जाए और उनको सीधा आपके कहने में क्या होता है, मजदूर पैदल निकल रहा है बताइए, अब जो मजदूर पैदल निकल रहा कि नहीं निकल रहा बताइए। देखिए मजदूर है जो बेचारे बेहोशार जो मतलब परेशान है, हाँ। मैं आपके चैनल वादन द्वारा भी बोलना चाहूंगा, हाँ। कि ज्यादा एक्साइटमेंट हो के जो मजदूर निकल रहे हैं उनको अपने घरों में रहना चाहिए, सरकार का घरों में रहना चाहिए। नहीं देखिए तब तक जब तक सरकार उनकी व्यवस्था पूर्णता ना मतलब वो भूख से मर जाए, भूख चेता रहे की अगर अगर ज्यादा सरकार आप ये बता दीजिए किसी को शौक लगता है तो उनका पैदल चलने का प्रदीप सर आप समझ लीजिए। देखिए इसमें बात करने की आप बिल्कुल, देखिए आप जो कह रहे हैं आपकी बात भी ठीक है, मगर मैं आपको बताना चाहूँ सरकार लगातार लोगों को घरों तक भोजन पहुंचा रही, कई सारी संस्था चल रही है, राशन भी वितरण करवा रही, कुछ स्टेट सरकार जो है मजदूरों को परेशान करके उन्हें अनावश्यक इधर उधर भगा रही है। मगर जवाब चंदेल साहब, महाराष्ट्र में आप मजदूरों को परेशान करके वहां से भगा रहे हैं, दिल्ली वाले भगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा भाई? देखिए अब मैं इनकी बातें सुन रहा था शुक्ल जी की, जिस तरीके से ये बता रहे हैं लॉकडाउन का अनुपालन कौन करा रहा है, पुलिस करा रही है, पुलिस करा रही है लॉकडाउन का अनुपालन, ना सरकार का कोई बंदा करा रहा है, कोई दूसरे बंदे का नाम बताएं, शुक्ला जी से सवाल है, दूसरे व्यक्ति का नाम बताएं और दूसरी संस्था का नाम बताएं जो लॉकडाउन करा रही है, केवल पुलिस करा रही है। और पुलिस किस किन वस्त्रों में करा रही है, पुलिस के पास प्रॉपर किट किट नहीं है, सुन लीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए, नहीं नहीं और कौन करा रहा, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, लॉकडाउन का अनुपालन कौन करा रहा, पूरे देश में पुलिस करा रही, सुन लीजिए, अरे साहब पूरी बात, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला जी जी कि आपकी सरकार मजदूरों को परेशान कर रही है, उनको वहां से भगा रही है, देखिए मेरी पूरी बात होने दीजिएगा, मेरी पूरी बात हो, लॉकडाउन का तरीका सरकार का गलत था, लॉकडाउन का जो तरीका अडॉप्ट किया गया 8 बजे टीवी पे आते हैं, 12 बजे से सारे सार्वजनिक वाहन बंद कर दिए जाते हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए साहब, अभी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए शुक्ला जी, सुनना सीखिए, सुनिए, ये हंसी मजाक जो ये अंगौछा डाल के जो आप बैठे हैं ना, ये गिरुआ वस्त्र दिखाइए, जो सच्चाई जो देश समझ रहा है, लोग समझ रहे हैं, भारत के लोग समझ रहे हैं, झेल तो गरीब आदमी रहा है ना,
आप जो बैठ के मुस्कुरा रहे टीका लगा के सुन लीजिए शुक्ला जी, मंत्री जी ने जो फैसला किया आप ही बात कर लीजिए था, पूरे देश के लिए पालन करते हुए देश को, आप गाय गंगा चाय की बातें बंद करिए, जो ये महामारी इस देश में चल रही है उस पे सुनिए, जरा सुनना भी सीखिए, आप लेक्चर मत दीजिए, मैं समझ रहा हूँ लॉकडाउन का तरीका, हाँ लॉकडाउन का तरीका गलत था, देश का 4 करोड़ मजदूर जो प्रदेश के अन्य प्रांतों में था, अरे साहब महाराष्ट्र नहीं, अब मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र छोड़िए, पंजाब हो, आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, कौन सा ऐसा राज्य बचा उत्तर प्रदेश हो कि लोग भगे नहीं है, ये केवल एक राज्य की बात नहीं पूरे संपूर्ण भारत की बात है, चाहे केरला हो हर जगह यही हुआ है, लोग समझ नहीं पा, जब आप सार्वजनिक वाहन आपने रोक दिया, आपको ये नहीं इल्म था कि चंदेल सर कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन अच्छे से पालन नहीं करवा पाए, तो इनके पार्टी के बड़े नेता क्यों नहीं निकल के जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, सर एक मिनट, सरकार से हटिए और जाके राजभवन में राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और देश के प्रधानमंत्री जाके राजपथ भवन में इस्तीफा दे तो हम बताते कैसे सरकार चलती है। आप तो नमस्ते ट्रंप करते रहे, सुन लीजिए, आपने देश में आमंत्रित किया है, आपने कोरोना को बुलाया है, यहाँ पुष्पित किया, पल्लवित किया है, ये आरोप है आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना को आमंत्रित किया है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, अमेरिकन प्रधानमंत्री को नमस्ते ट्रंप सिखाते रहे। देखिए अब आपने जो बातें शुरू की है तो पूरा जवाब मेरा सुन लीजिए, आपने आमंत्रित किया है, आप अगुवाई आपने की है कोरोना की, ये देश भूला नहीं है, लोग शांत है, लोगों को सब मालूम है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ जितने डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं सब ये समझ रहे हैं, भाजपा सरकार ने जी बताइए सवाल सुन लीजिए जी बोलिए, कि आखिर ये मजदूर सड़क पर क्यों निकले, क्यों वो लोग सड़क पर हैं? बस बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी, अगर यही आप 72 घंटे का समय देते, लोग अपने मुस्तकिल स्थानों पर पहुंचते जहां उनका जहान था, जहां के वो लोग रहने वाले थे, जब उनका वो राज्य बेगाना सा फील होने लगा, लोगों को लगा कि मैं किस तरीके से कैसे परिवार पाल पाऊंगा, पत्नी है, बच्चे हैं, कैसे उनको सुरक्षित रख पाऊंगा, तब आदमी भड़बड़ाया है, जो 1600 किलोमीटर 1800 किलोमीटर लोग जो पैदल चले हैं, साइकिलों में चले हैं, किस तरीके से लोगों ने वो समय गुजारे हैं, इसका एहसास है सरकार को, उनकी कहीं गिनती होती है। चंदेल साहब लॉकडाउन की वजह से देश बच पाया है ये मानेंगे आप ना? सुन लीजिए ना लॉकडाउन के शुरुआती तरीका गलत है, पहले सुनिए साहब, लॉकडाउन का शुरुआती तरीका गलत है, जो मर गए सड़क पर उनका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, सरकार ने विवश किया, सरकार ने विवश किया, सरकार ने उनको विवश किया, आज की डेट में जो मजदूर सड़कों पे है वो मजदूर 30 दिन अपने घर के अंदर बैठ के इंतजार करता रहा, आज के टाइम पे जो मजदूर सड़कों पे है, जब उसने देखा कि मसाला खुल गया है, दारू खुल गई है, बस, तो वो सड़कों पे निकल आया है, वो अपने घर मस्ती की दुकानें खोलने में देर नहीं की सरकार ने, नहीं है रोजगार नहीं है, गाय गंगा की चाय की बात करते हैं, दिन जो मजदूर है समय के हिसाब से को समझने की आवश्यकता है, आज के दिन पे जो मजदूर सड़कों पे निकला हुआ है उसने 30 दिन घर में बैठ के इंतजार किया है, सच्चाई को ग्रहण करे सरकार और इसमें देश की जनता से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे कि मुझसे एक भारी गलती हुई है, सब लोग एक मिनट शांत हो जाए, जो हो गया वो हो गया, अब क्या होना चाहिए उसके लिए हमें अपने घर वापस जाना चाहिए, अरे साहब और घर के बड़े वरिष्ठ अभिभावक का ये फर्ज होता है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, जी
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो हो गया उसको तो हम पीछे से वापस नहीं ला सकते। अरे किसके कारण हुआ? देखिए साहब, डॉक्टर साहब ये भी सवाल है ना, कारण क्या, गलती गलती किसकी है? अरे देखिए ये स्टेब्लिश नहीं होगा, हम ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बातें करते रहेंगे? ये भी तो स्टेब्लिश होना चाहिए कि किसकी वजह से हुआ, किससे गलतियां हुई है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को माफी मांगनी चाहिए। और ये लॉकडाउन किसी प्रदेश ने नहीं किया, ये भारत की सरकार ने किया है। आपका तरीका गलत है, मैं सदैव शुरू से कह रहा हूँ। ऐसा सुनिए, हम लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो कोई सलूशन नहीं मिलेगा। कोरोना की आग में लोगों को झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मैं डंके की चोट में कहता हूँ। अरे आपको आपको कुछ मालूम है? आप गाय गंगा चाय करते रहे, आपको कुछ मालूम है लोगों की वेदना पीड़ा, उनसे मरहूम रहने वाली इस देश की पहली सरकार लोगों ने देखी है? ये ऐसा है कि अब हमें ये चेतनाओं का, हम बार बार जो कह रहे हैं लॉकडाउन में ढील का, हम लॉकडाउन में ढील का मेरा अभिप्राय यही है कि इस समय इंडस्ट्रियों को तुरंत बिना देरी किए सब जगह खोल देना चाहिए। उसमें आप पैमाना रख लीजिए, उसमें प्रिकॉशन रख लीजिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए कंट्रोल के मेजर ले लीजिए, ट्रेनर तैयार कर लीजिए और वो जाके फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग दे। जो मजदूर जहाँ हैं उनको पेपर में एडवर्टाइज करके उनसे कहिए कि वो भूख के मारे भाग रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की जगह यहाँ तक कानपुर तक आ गए हैं तो कानपुर में काम करेंगे, उनको काम मिलना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन सबको तुरंत एक एक को परमिशन डीएम के यहाँ जाके लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन ये सब तुरंत खोल दें, बाकी सड़क रोके रहें, बाकी कुछ भी करें, लेकिन जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको तुरंत चालू कर दें। तो ये जितना मजदूर है ये भूखा नहीं मरेगा, ये तुरंत कहीं पे भी काम करेगा, इसको ऐसा नहीं कि बंबई में काम करेगा, इसको जहां काम मिल जाएगा वहां काम करेगा। और जी जी बताइए डॉक्टर महेंद्र सरावजी साहब, हमें ये बता दीजिए कि मजदूर कैसे मरेगा? मजदूर को तो मरना ही मरना है, चाहे वो कोरोना से मरे चाहे भुखमरी से मरे। अगर लॉकडाउन खोल देते तो कोरोना से मरेगा, WHO चेता रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन आप रखिए, इंडस्ट्री को परमिट कर दीजिए, लॉकडाउन में स्पेशल परमिशन इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि यही हमारे पास सोल्यूशन है। कोरोना से कम मरेगा, भूख से ज्यादा मरेगा। अगर हम आज भी चेत जाएं, आज भी इंडस्ट्रियों को कंस्ट्रक्शन को अपनी आर्थिक गतिविधियां तुरंत चालू करें और मजदूरों को दें। चेता रहे थे कि भूख से ज्यादा मर रहे लोग यहाँ पर। वही मैं कह रहा हूँ कि अब हम ये ना देखें किसने गलती की, जो गलती देखे कुछ गलतियां जाने में हुई, कुछ अनजाने में हुई, क्योंकि किसी को भी इस महामारी का अंदेशा नहीं था ये इतनी बड़ी महामारी है। तो हम इस समय राजनीति से ऊपर उठ के देश पे सोचें। हम बार बार सबसे यही कहेंगे कि हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की जगह अब क्या कर सकते हैं, हमारा एक कंट्रीब्यूशन देश के लिए होना चाहिए। हम एक दूसरे पे ये सब छोड़ दें और इस समय केवल ये देखें कि कैसे हम इन लोगों को मरने से बचाएं। हम बार बार एक बात कहेंगे, हाँ हाँ दूसरा समझना भी पड़ेगा, जो सड़क पर 80 लोगों की मौत हुई है, चाहे एक्सीडेंट से मौत हुई हो, चाहे ट्रेन से कटकर मौत हुई हो, चाहे पैदल चलकर मौत हुई हो, उसका जिम्मेदारी भी तो किसी को लेना। 1650 लोगों की मौत हुई है अब तक, 1650 लोगों की। कि हम लोगों को भिखारी ना बनाएं जी, हम लोगों को खाना बांट बांट के भिखारी ना बनाएं, जो कि सारी संस्थाएं सब कुछ कर रही हैं। हम उनको काम दे के उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं कि वो अपना भी पोषण कर सके, अपने परिवार का कर सके। हमारा फोकस बदलना चाहिए, ये बहुत हो गया कि मुझे बता दीजिए डॉक्टर, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं लोगों को खाना दे करके भिखारी मत बनाइए, खैरात मत बांटिए, और जो ये बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपया बैंक का लेकर के चले जाते हैं, चाहे किसी की भी सरकार नहीं हो, उनको क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, वो तो गलत कर ही रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हम ये संतोष कर लेते हैं कि हमने 5,000 लोगों को खाना दे दिया, अब 5,000 लोगों को काम दीजिए तो भिखारी भिखमंगा जाकर। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको
उनको डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट बनाइए, वो खुद भी कमाए और अपने परिवार का पोषण कर सके। एक टाइम का खाना अगर हमें कोई खैरात में दे जा रहा है, वो खुददार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं उनके पास आप देखिए, वो लोग हम भी गए देखने के लिए, वो खुददार है, वो खाना इस तरह का नहीं चाहते हैं, वो खुददार है, वो खाना ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनको काम का अवसर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, मैं वही कहना चाहूंगा, किसी भी इन्फेक्टिव बीमारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन या लोगों का मूवमेंट एक व्यवस्था तरीका होती है। जिस समय लॉकडाउन किया गया उस समय कम्प्लीट ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं थी, शायद आज भी कम्प्लीट ट्रांसमिशन अभी नहीं है, लेकिन केसेस बहुत बढ़ गए। अगर ये निर्णय हुआ था लॉकडाउन का, बहुत अच्छा निर्णय था बीमारी रोकने का, लेकिन उस समय ये विचार करने की बात थी कि एकदम से लॉकडाउन करेंगे, जो लाखों मरीज दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे हैं उनका क्या होगा, वो खाना कहाँ खाएंगे, कंपनी उनको पैसा देगी कि नहीं देगी, रहने की जगह। बहुत अच्छी बात चल रही है, तो ये कमी जरूर रह गई है जो आम समाज में बातचीत हो रही है। अगर उनको दो दिन का तीन का समय दे दिया जाता और नहीं, वो तो ठीक बात, कंपनी वालों को कहा जाता। डॉक्टर त्रवागी की बात मुझे अच्छी लग रही कि बीती ताई बिसार दे, कुछ गलतियां हुई कुछ अच्छे काम हुए, लॉकडाउन से जहां बहुत बड़ा फायदा मिला, वही लॉकडाउन में अगर आप ठीक करेंगे, अगर थोड़ा छूट दे दी जाती तो लोग अपने अपने घर पहुंच जाते और फिर इत्मीनान से सब लोग रहते। आज जो सरकार वो खाना बांटने की बीमारी ये सब नहीं होता, और आज की तारीख में जो लॉकडाउन जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, मुझे अंदेशा है कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी काफी बढ़ सकता है। ये खतरनाक है, अखबार में पढ़ रहा था 130 लोग कहीं पहुंचे हैं, 124 पॉजिटिव निकले, अगर ये क्षेत्र में जाएंगे तो बढ़ाएंगे, गांव में कोरोना बम बन जाएगा, हमारा लोड और बढ़ेगा, सरकार पे लोड बढ़ेगा, इलाज का लोड बढ़ेगा, खाना वाना बांटने की जरूरत तब पड़ी क्योंकि हमने बिना सोचे समझे निर्णय लागू कर दिया, जब हमने उनको कमरे बंद कर दिया, खाना देंगे खाना देके सरकार कोई ऐसा नहीं करेगी। अगर सरकार हमको बंद कर देती है जेल में तभी खाना देती है, नहीं खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा गुजरात में, तमाम जगह लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए कि हमको गोली मार दीजिए, हमको कह दिया मत खाना दीजिए नहीं तो गोली मारिए। मेरा कहने का मतलब है अब जो भी स्थिति हो गई सही बात है, खत्म कर, आगे हमें क्या करना क्या है, अब ये जो है अब लॉकडाउन कैसे करना, जो लॉकडाउन एक अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन अब जो सोशल सप्लाई है सिविक सप्लाई वो सुनिश्चित कर ली जाती है, लोगों को खाना मिलने लगे, जरूरी सामान मिलने लगे, दुकान खोलने का समय निर्धारित कर दे, पुलिस प्रशासन बजाय लोगों को डंडे मारने की कोशिश करती है, दुकानों में भीड़ ना हो, तो मैं समझता हूँ और लोगों में एक जो भय व्याप्त हो गया लॉकडाउन से वो भी शायद उनको कम होता। कम बिल्कुल ठीक करें डॉक्टर, स्वप्न शुक्ल का रुख करेंगे। स्वप्न जी, ये जो लोगों की सड़क पर मौत हो गई है उनका जिम्मेदार कौन है? स्वप्निल शुक्ला जी, सांप जो हो गया, जब सांप निकल गया तो उसको लाठी पीटते कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? हमें आगे के लिए सोचना है कि जो अब निकले हुए हैं सड़कों पे उनको हमें कैसे बचाना है, जिनकी मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु पे हमें बहुत गहरी संवेदना है, उनके घर और परिवार बर्बाद हो गए, लेकिन जिनके हम बचा सकते हैं क्या उनके प्रति हम अपना दायित्व निभा रहे हैं? क्या वरिष्ठ अभिभावक की तरीके से हम अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सक्षम हैं या हम उनके बारे में सोच रहे हैं? हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से समाज को सामाजिक संस्थाओं और समाज के ऊपर छोड़ दिया, किसी की तरह की कोई जिम्मेदारी किसी की निर्वहन करने के लिए सरकार ने नहीं सोचा। आज आप इंडस्ट्री खोलने जा रहे हो, इंडस्ट्री का गैस जो बॉयलर है वो 15 दिनों से 20 दिनों से 40 दिनों से बंद पड़ा है, उसको प्रोडक्शन के लिए लेके आप आओगे उसमें 10 से 15 दिन का समय लगेगा, फिर आप प्रोडक्शन चालू करोगे, फिर आप माल बेचोगे और तब लेबर को आप तनख्वाह देने की स्थिति में आओगे, नुकसान पे घाटे पे खड़ी हुई है। इस बीच में क्या आप पूर्णतया ये इस बात का समर्थन कोई कर सकता है कि लॉकडाउन को खोल देना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन नहीं खोलेंगे तो डॉक्टर लॉकडाउन किसी भी तरीके से नहीं खुलना चाहिए और सरकार को इन 40-45 दिनों में इस काबिल तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि जो मजदूर जहाँ पे आने के लिए और रहने
करने के लिए, चिकित्सा के लिए पूरी जिम्मेदारी उसका निर्वहन करना चाहिए सरकार को। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार हमारे वरिष्ठ अभिभावक है, ना बहुत आसान है उनकी तरफ बहुत मुश्किल है, मध्य वर्गीय के लिए भी सोचना है, मजदूरों के लिए भी सोचना है, इंडस्ट्री के लिए भी सोचना है। क्या सब कुछ समाज ही कर लेगा? बिल्कुल सब कुछ हम ही लोग सब निकल के कर लेंगे, फिर सरकार का क्या दायित्व है? ठीक है, तो फिर यह है आपके पास में डॉक्टर पद्मा मिश्रा का बात करते हैं। डॉक्टर पद्मा मिश्रा, अक्सर जब पूरे विश्व में बहुत होती है, बहुत बड़ी विश्व की शक्ति बनकर उभर रहे थे इन 6 सालों में, हमें यह बताया गया क्या इन 40 दिनों में हमारी सरकार का दम फूल गया? सड़क पर चल रहे उनकी मौत इस देश की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, और जहाँ पे जहाँ जहाँ पे पूरा समाज एक साथ अपना काम धंधा छोड़ के लगा हुआ था सबकी सेवा करने के लिए, सबको खाना देने के लिए, सबको अनाज देने के लिए, संस्थाएं निकल के ना आती तो हमारे देश में त्राही त्राही न मच जाती। ट्रक से हुई, बस से हुई, जिससे भी हुई जी, वो पर्टिकुलर व्हीकल या उसका ओनर वो रिस्पॉन्सिबल है। भाई मौत मौत होती है ना, अगर मौत हुई है सड़क पर, मौत हुई है पैदल चलने से मौत हुई है, हाँ। तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अगर भूख से मौत हुई है, प्यास से, भूख से कभी कोई मरता है क्या? नहीं, आज तक देश में एक भी भूख से मौत हुई है क्या? नहीं, ऑर्गन फेल होता है डॉक्टर, आप तो डॉक्टर जानती हैं। बिल्कुल, ऑर्गन फेल होते हैं जी, तो भूख से नहीं मरता ना कोई आदमी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, हाँ। कि अगर भूख से कोई मरेगा तो जिम्मेदार डीएम होगा, अब जो सड़कों पे उनको बचा दो भाई, भूख से मरना पीछे हो गया, उनको कब तक आप वो करोगे? चलिए, उनके घर परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन जो जिंदा है उनको जिंदा रहने का तो मौका दीजिए। डिहाइड्रेशन से मरेगा जी, भूख नहीं मिली तो उसको जितनी कैलोरी चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो स्टार्वेशन से मरेगा। कैलोरी तो मरा तो वो परिस्थिति के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? क्या मुआवजा मिलना चाहिए उसको? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अब एक दिक्कत में आते और समझ लो, आप चूंकि महिला डॉक्टर है जी, आपसे मैं, अगर उनको मुआवजा दिया जाता है जी, तो ऐसे में हम नहीं लगता कि आपको और लोगों को हम प्रेरित करेंगे बाहर निकलने के लिए, फिर वो जान की परवाह नहीं करेंगे, और लोग मरेंगे कि हमारे घर वालों को मुआवजा मिल जाएगा? नहीं, ये डर है सरकार, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ गलत होगा, ये सोचना ही गलत है। क्या सरकार इसी कारण नहीं दे रही मुआवजा? अब ये तो सरकार जाने, में क्या बता पाऊंगी, सरकार की बात तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो जहाँ है वो वही रहे और उनको वहीं उनसे काम भाई, भाई किसी गरीब आदमी की मौत को मुआवजे से आप तोलोगे कि घर क्या किसी व्यक्ति की जान की कीमत मुआवजा हो सकती है? ये कंपनसेशन होता है करने की उसमें है वो। बड़े भाई बड़े 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 आदर से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति की जान की कीमत आप कभी अदा नहीं कर सकते। बहुत सारी पॉपुलेशन है, हाँ। प्रधानमंत्री डेमोग्राफी डिविडेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन डेमोग्राफी डिविडेंड तो है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में सबको काम दे पाना आसान काम नहीं, चले वहाँ पर वक्त कम बचा है, लेकिन कोशिश की जाए तो किया जा सकता है। जब हम घर घर खाना पहुंचा सकते हैं तो हम घर घर रोजगार भी पहुंचा सकते हैं। धनंजय जी, क्या मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? देखिए प्रदीप सर, मुआवजा अगर उत्तर प्रदेश की बात अगर आप करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो मुआवजा देने के लिए ऐलान तो ऑलरेडी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए उन्होंने बकायदे कर दिया है। जो लोग मजदूर से अगर जो लोग मतलब उनकी जो मतलब एक्सीडेंट हुए हैं उनको तो मुख्यमंत्री जी कितना कितना किया है, कितना किया जरा अवगत करा दीजिए, कितना किया जरा धनंजय जी बता दीजिए। देखिए मुआवजा उनको मिलना चाहिए, नहीं कितना किया है उत्तर प्रदेश की सरकार जिस स्टेट में है, क्यों झूठ बोलते हैं? जो स्टेट में जो डीएम है, डीएम के वहाँ उनका काम है, सरकार ने ऑलरेडी पहले से बोल के रखा है। आज तक कभी किसी को मुआवजा मिला क्या? जो लोग सड़क पर ये खुद देने गए थे, पहले की बात, पहले कोई कोरोना बीमारी नहीं, अभी अभी कोरोना के कारण इतना लोग पैदल भी तो नहीं चलते थे ना, लोगों की तरही भी हो चुकी है मान्यवर। ये टीवी चैनल पे झूठ तो ना बोलिए, जो लोग मरे उनकी तेरहवीं भी हो चुकी है, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं टीवी में बैठकर? अरे लोग देखते हैं भाई टीवी, ये सब मत करिए। उनकी पूरी व्यवस्था करवा सकते हैं, अगर उन्हें एक्सीडेंट किसी कारणवश अगर उनके हो गया है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुआवजा ऐलान करके एक मतलब एक अच्छा कितना किया है, कितना किया जरा अवगत कराइए, कितना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? बिल्कुल मिलना चाहिए, और इनसे मैं ये सवाल है मेरा कि कितना कितना मुआवजा तय किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, जरा बताइए आप, जरा आप भी बता दीजिए,
आपने कितना, महाराष्ट्र की सरकार ने कितना दिया था? फिर आ गया ना सवाल, सवाल इन्होंने इन्होंने ये झूठ का प्रश्न इन्होंने उठाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, इन्होंने इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया, तो मेरा सवाल है कितना किया जरा बताइए, सब लिखा पढ़ी में है। जैसा कि मैंने आज जो मैं सूत्रों के अनुसार जो सुना, सूत्रों के अनुसार मत बोलिए इस तरह की बातें, मत बोलिए, जो लोग मरे उनकी 13वीं भी हो चुकी है मान्यवर, उनकी 13वीं भी हो चुकी है और कोई भी 100 का नोट नहीं मिला है उनको, 100 का नोट। मैं पूरे पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, 100 रुपया सरकार ने एक भी मुआवजा दिया क्या? सर हमारी सरकार ये सवाल लोगों को कुछ रखा जा रहा है, ये सरकार की बड़ाई कर रहे हैं। अरे देश में तो आपकी सरकार है ना, देश की सरकार ने कौन सा मुआवजा तय किया, देश की सरकार ने कौन सा मुआवजा तय किया ये बताइए, आपसे सवाल है। मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए? नहीं कतई मिलना चाहिए जी, आप जिम्मेदार हैं, आप घर के वरिष्ठ अभिभावक हैं, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सड़क पे निकलना पड़ा, कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे बच्चों को लेके, आपने देखा होगा एक एक महीने के बच्चों को लेके और तो सड़क पे चल रही जी, तो जिसने उनको इस परिस्थिति के लिए फोर्स किया तो मुआवजा चाहे वो व्यक्ति दे या सरकार दे, कोई भी दे, कोई मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ठीक है महेंद्र, डॉक्टर महेंद्र सरवगी जी, क्या ये जो लोग मौत के आगोश में समा गए सड़क पर चलते हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए ये वहाँ की सरकारें और वो डिसाइड करें, मैं एक चीज जानना चाह मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी भी बहुत मरने वाले हैं, सरकार काम करेगी वो छोड़ दीजिए, मिलना चाहिए कि नहीं? उनको मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आगे जो और मौतें हो रही हैं उनको रोकने के लिए बार बार मैं कहूंगा कि उस पर आगाह उसके लिए तैयारी करें, जो हो गया है उसके लिए तो एक कमिटी बना के जो भी करना करें, लेकिन अगर ये नहीं संभला तो अभी बहुत मौतें होंगी, बार बार हम लोग राजनीति कर रहे हैं लेकिन उस पर नहीं सोच रहे हैं, हम लोग सब जितना भी यहाँ का ब्रेन है उसको लगा दें कि खैरात बांटने की जगह वो केवल कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है, हिंदुस्तान में ब्रेन की कमी नहीं है, उनकी बातों को मान के रोजगारों को चालू करें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हिंदुस्तान वापस सुधर जाएगा, केवल रोजगार यही एक सलूशन है। सरकार भाई प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया है, निर्मला सीतारमण ने कल 6 लाख करोड़ एमएसएमई को दे दिए हैं, तो इससे धंधे चालू कराने की बात चल रही है ना, ठीक है आएंगे आपके बात में। ठीक है स्वप्निल जी, स्वप्निल शुक्ला, क्या मुआवजा मिलना चाहिए इन लोगों को कि नहीं? साधारण आदमी को एमएसएमई से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, आज वर्तमान की परिस्थितियों को समझिए भाई, मैं जो आपसे सवाल चुका हूँ उसका जवाब दे दीजिए, मुआवजा मिलना चाहिए, क्या सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको चिकित्सा मिलनी चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए जो उसके परिवार में बचा, लेकिन जो आगे आगे आने वाले लोग हैं क्या उनको उनके मृत्यु से हम बचा नहीं सकते हैं? क्या वो सड़कों पे जिनकी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको हम बचा नहीं सकते हैं? क्या उनको हम संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? विपक्ष में बैठ करके राजनीति करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शानदार बात कह रहे हैं। डॉक्टर पद्मा मिश्रा आपके पास वापस आएंगे, क्या सावधानियां बरतनी होंगी? डॉक्टर सरवगी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मास्क पहनने के साथ साथ में हमें सोशल गैदरिंग से भी दूर रहना पड़ेगा काफी लंबे समय तक। क्या लगता है कि ये जो विपक्ष की बात नहीं है, हम संयुक्त रूप से हम करते हैं कि सब लोग एक साथ निकल के आए और एक साथ सबका जो पीड़ित है जो प्रताड़ित है उसकी मदद करे, हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से समाज में निकल के लोगों की सेवा करी है। ये जो आपने मुझसे पूछा कि गैदरिंग के बारे में, तो गैदरिंग तो अवॉइड करनी पड़ेगी, गैदरिंग में ना जाएं। नहीं अवॉइड करनी पड़ेगी कि गैदरिंग बंद ही रखना पड़ेगा, मॉल बंद रखना पड़ेगा। हाँ मॉल बंद रखें जी, पर छोटी छोटी दुकानें खुली रखें जिनसे सिस्टम वाइज इसको सिस्टम वाइज डिवाइड कर लें कि एक दिन ये खुलेगी तो एक दिन वहाँ की बाजार खुलेगी, तो ऑड एंड इवन का काम करें। हाँ ऑड एंड इवन कर लें, या जिस तरीके से वो अपना बैठ के डिसाइड कर लें कि कैसे उनको करना है। ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर महेंद्र सरवगी जी,
आपका फाइनल कमेंट, क्या क्या सावधानी बरतनी होगी हमें आइंदा आने वाले समय में? सर, सबसे पहले हमको अपने दिमाग को, मतलब जो हमारे दिमाग में कूट कूट के भरा हुआ है, मैं इसलिए बार बार कहूँगा कि हम लोग धर्म और इसके इस इतना ज़्यादा भरा है कि उसके आगे हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे ज़्यादा घातक हमारे लिए मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारे या इस तरह की भीड़ ही सबसे बड़ी घातक होगी। बाकी ये इंडस्ट्री घातक नहीं होगी, इंडस्ट्री में हर आदमी दूर दूर काम कर रहा है, ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ इन बातों का ध्यान रखेगी, लेकिन हमारे जो दिमाग में भरा हुआ है इसको हमको निकालना ही पड़ेगा। इसी पे हमको सबसे बड़ा वो करना है कि शादी है, किसी भी तरह का फंक्शन हमें बिल्कुल बैन करना पड़ेगा, लिमिटेड लिमिटेड लोगों की लगी हुई लंबी लाइनों को आपने नहीं ध्यान दिया है, वो भी बहुत बड़ी गलत हुआ है। मस्जिदों की, गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं, मैं हर सोशल, हर गैदरिंग की बात कर रहा हूँ, मैं हर गैदरिंग खोल दिया गया, जगह जगह लोग पीक थूक रहे हैं। भैया मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं केवल गैदरिंग मना कर रहा हूँ, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, समय समाप्त हो चुका है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह, बड़ी बात यह है कि WHO ने चेता दिया कि यह कोरोना वायरस हो सकता है कभी खत्म ही ना हो, एड्स के वायरस की तरीके से हमको इसके साथ में जीना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। तो इसके लिए सावधानियां बहुत जरूरी है, और सावधानियां क्या है कि सोशल गैदरिंग ना हो। डॉक्टर महेंद्र सर्वगी ने एक बहुत शानदार बात कही कि हमारे यहाँ जो दिमाग में घुसा है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम सबसे पहले मंदिरों की ओर जाएंगे, मस्जिद की ओर जाएंगे, गुरुद्वारे की ओर जाएंगे, चर्च की ओर जाएंगे, हमको अपने दिमाग से वो चीजें निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो बाकी सोशल गैदरिंग है उससे भी दूर रखना पड़ेगा, और इन सब से ऊपर जो WHO ने चेताया, जो हांगकांग और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने बताया है कि हम 80% इससे बच सकते हैं सिर्फ मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग से। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जहां पर मास्क पहले से ही इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वो आज भी बचा हुआ है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KNews India।